गाइस वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रीड आउट करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में, जिसे मिश्र अनुपात बोलते हैं। आप मिश्र अनुपात क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा, वैसे मोस्टली जो होता है दो से ज़्यादा का अनुपात हो तो उसे मिश्र अनुपात बोलते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर आपके पास मान लो कोई लेबर काम कर रही है, ठीक है, कोई व्यक्ति काम कर रहे, वो कितने घंटे काम कर रहे, ठीक है, और कितने दिन उनको काम करने में लग रहे, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके पास जनरेट होता है, जिसमें तीन वैल्यूज होती है वो अलग अलग दी होती है, ठीक है। अब व्यक्ति, जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की संख्या दे के रखी हो, या फिर ऐसा हो कि व्यक्ति की संख्या नहीं दी हो, आपके पास दिन निकालने हो, यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं इस तरह का, तो इसमें व्यक्ति है छः, ठीक है, और व्यक्ति की संख्या हमारे पास नहीं है। अगर वो पर डे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उन्हें किसी काम को पूरा करने में उसे 25 दिन लग रहे हैं। किसी काम को कंप्लीट करने में 6 व्यक्तियों को 8 घंटे के हिसाब से अगर पर डे वो काम कर रहे हैं तो वो डेली 8 घंटे का काम कर रहे हैं तो 25 दिन लग रहे हैं। अब कितने व्यक्ति जो है काम करें अगर 4 घंटे तो उनको वो काम वो 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपके पास व्यक्ति ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब आप इसको जूम करके रखो कि मान लो ये एक्स है, संख्या आपको पता नहीं है, तो इनको कैसे करना, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है, आसान होता है इनको। आपने पहले आप इतना कॉमन सेंस तो नेचुरल सी बात है आपको होगा ही, तो होता ही है। अब जो आप आईटीआई कर रहे हैं नेचुरल सी बात है आपको इतना तो पता ही है, जब आपके पास व्यक्ति ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जब व्यक्ति कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे यहाँ पर आपके पास घंटे भी है और दिन भी है, ठीक है, अगर 25 दिन लग रहे हैं और 8 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं, 8 घंटे पर डे काम कर रहे, तो अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 25 60 200, मतलब टोटल जो है 200 घंटे काम हुआ आपका, 200 घंटे, ठीक है। और अगर आप ये है 30 दिन और 4 घंटे, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4 × 3 = 12, 120 घंटे टोटल काम हुआ। तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर 200 घंटे काम किया तो इसका मतलब यानी कि कम व्यक्ति लगेंगे, और 120 घंटे काम किया इसका मतलब ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे। तो हमारे पास 6 व्यक्ति जो है वो दिए हुए, तो यहाँ ये वाली चीज़ जो है 6 व्यक्ति 8 घंटे और 25 दिन, आपको कितने व्यक्ति लगेंगे ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है, 4 घंटे और 30 दिन के अंदर वो काम खत्म होगा, वही काम सेम वर्क, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो रेशियो है 200 और 120 का रेशियो, इसको एक साइड रख लेंगे, 200 अनुपात 120 का ये एक साइड रख लेंगे, और दूसरी साइड समानुपात का जब हम रेशियो जो प्रोपोर्शन का निशान लगाएंगे उसमें ये वाली चीज़ को रखेंगे। तो यहाँ पर हम 6 अनुपात x नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, तो व्यक्ति कम लगेंगे, और जब कम घंटे लगेंगे तो व्यक्ति ज़्यादा लगेंगे, तो ये व्युत्क्रम अनुपात जैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर आप ऊपर वाली संख्या, जैसे ये 200 आया तो 200 की जगह पर आप 6 नहीं रखेंगे, यहाँ पर आप x रखेंगे और x की जगह पर 6 रखेंगे। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ख्याल रखने वाली बात है। यहाँ पर आप कैसे करेंगे ये दोबारा देख लो, आप 200 बटा 120 जब देखेंगे जो ये दशमलव का निशान आ गया, सॉरी अनुपात का जो निशान आ गया 200 बटा 120, ये समानुपात बराबर है। तो यहाँ पर जैसे जो 6 बटा x की जगह पर ना x की बटा 6 करना है, क्योंकि ये उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ ये बलट अगर चीज ये कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद इजीली क्या कर लेना आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की वैल्यू जो है निकल आएगी। यहाँ पर आप वैसे यहाँ इसको काट लो, ठीक है, इसको अगर आप 2 से काट लेते तो ये 10 आ जाएगा और ये 6 12 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 6 6 से यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे 60 आ जाएगा, 60 × 6x, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 6 × 10 जो होगा वो आपका 60, और ये 6 × x 6x, तो
एक्स जब निकालना है तो एक्स बराबर है 60/6 या आपका 60/6 जब 6 करेंगे तो 10 व्यक्ति जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वैसे भी हर से हर जो है वो आप काट सकते हैं, ऐसे भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था ये इसका आंसर आ चुका है। तो 10 व्यक्ति जो है अगर 4 घंटे काम करेंगे, ठीक है, पर डे अगर 4 घंटे काम करेंगे तो वो 30 दिन के अंदर उस काम को खत्म कर देंगे। जबकि अगर हमारे पास 6 व्यक्ति होंगे 8 घंटे काम करेंगे तो उनको 25 दिन लगेंगे। तो ये इसमें सीखने वाली बात है। तो ये आता है आपका मिश्र अनुपात के अंदर आता है। इसके साथ एक चीज और सीखने वाली है, मतलब एक औसत वाला पॉइंट जो है इसके अंदर। वैसे सिलेबस में ये ज्यादा उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझो ये औसत होता है क्या चीज है। औसत में हमारे पास कोई राशि है, उसमें उन राशियों का प्लस करेंगे। जैसे हमारे पास राशि 15 रुपए है, ठीक है, या फिर वेट में रख लो आप केजी है, फिर 20 केजी है, ठीक है, प्लस आपका 25 केजी रख लो, ठीक है। ये 3 राशियां हैं, तो 3 राशि एक ही चीज का है तो उसको बटा 3 कर लेंगे। अगर हमारे पास 4 है, ठीक है, जैसे 20 जमा 30 जमा 40 जमा 50 ऐसे है, तो इसको बटा 4 कर लेंगे। तो ये लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी होगा इसका यूनिट, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, लास्ट में कर देना वो सारे का सारा। तो यहाँ पर जैसे 15 और 20 और 25 का यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। इसके बीच में +5 का गैप आ रहा है, इसके बीच में भी +5 का गैप आ रहा है, तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। तो जो जब 3 या 5 या 7 वाली संख्याएं हो, यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई है हमारे पास, 1 2 3, तो यहाँ पर जो बीच वाली जो संख्या होगी ना, तो वो आपका एवरेज निकल आता है 3, 5 और 7 के लिए, ठीक है। अगर आपके पास 4 हो तो 4 के लिए ये इनके बीच का, जैसे 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35, तो ये 35 आपका एवरेज आएगा। चाहे तो आप मतलब इसको कर भी सकते हैं, इसमें जैसे 15 और 20 तो 35 हो गए, 35 और 25 ये आपका 60 आ गया, ठीक है, 60/3 जो होगा वो आपका 20 ही आएगा। तो वैसे भी जो 3 का होता है इजली तरीके से आप निकाल सकते हैं 3 संख्याओं के लिए, अगर गैप बराबर हो, कंसेप्ट ही है, और गैप बराबर हो, जैसे 15 और 20 के बीच में 5 का गैप आ रहा है, 20 और 25 के बीच में भी 5 का गैप आ रहा है, उसके लिए बीच वाली जो संख्या है वो आपकी एवरेज निकल आएगी। लेकिन अगर गैप बराबर नहीं आ रहा है तो उसके लिए ये वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ के लिए आप बीच वाली संख्याओं को, ठीक है, या फिर आप इसको पूरा प्लस कर देते हैं, 20 और 30 50 50 90 90 और 14/4 ये आपका आ जाएगा, 4 3 12 13 14 2 आ जाएगा 5 6 20 आ जाएगा। इस तरह से भी आप मतलब यानी कि इसको पूरा प्लस करके देखेंगे तो 140/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही था, यही 2 पॉइंट रह गए थे पिछले चैप्टर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। नेक्स्ट वाले में हम रीड आउट करेंगे जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मैं करा रहा हूँ। तो परसेंटेज वाला पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में रीड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर लेना, दूसरे भी आपके फ्रेंड में, दूसरे कोई लगे आपको कि भाई कोई दूसरा भी आईटीआई कर रहा है और जो कंटिन्यू करना चाहता है, या फिर जिसको लग रहा है कि सर के पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, तो वो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक्स।